आप सबकी इच्छा है और आप कह रहे हैं एक और, तो इस तरह से कवि को नहीं बुलाया जाता। आप तालियां बजा दो जोरदार तो मनोज एक कविता और आप तक पहुंचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। लीजिए साहब, हमारे बीच में बहुत अच्छी देश की सुनाम में धन्य कवियत्री भी बैठी हुई है, अनामिका जी अमर, ये श्रृंगार पे लिखती है। अब मैं वंस मोर आपने की मैं गई इसीलिए था। अच्छा, सच बोलने में क्या जा रहा है, ये तो भगवान महादेव का जगह, यहाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमारे बीच में बैठे हुए हैं, इनो ये श्रृंगार पे लिखती, मैंने भी कोशिश की श्रृंगार पे लिखने की। चार पंक्तियां मैं अपने ढंग की देता हूँ, पहली पंक्ति तो ढंग की, दूसरी पंक्ति भी ढंग की, तीसरी पंक्ति भी ढंग की, और चौथी फिर वही अपने गुजर वाली हो जाती। चार पंक्तियां ढंग की कि मोहब्बत में कशिश अभी बाकी है, तुम्हारे पास जाम हमारे पास साकी है। मोहब्बत में कशिश अभी बाकी है, हमारे पास जाम तुम्हारे पास साकी है, पर कैसे बदनाम कर दे तुझे सरे महफिल, अरे अथराक लक्षण तो हाल बाकी है। आए, आए। आपने देखा होगा शादीशुदा औरत, ऐसे मैंने सुना है कि यहाँ मुंह पर मंगलसूत्र लटका के रहती है। शादीशुदा आदमी का तो मुंह ही लटका हुआ होता है। तो मेरे लटके हुए मुंह को देखकर आप अंदाज लगा सकते हो मैं भी उन्हीं बदनसीबों में से एक हूँ। शादी जब से की है आतंक की एहसास है, बैंक अकाउंट मेरा है मगर एटीएम बीवी के पास है। वो एक दिन मैं अपनी पत्नी को लेकर चला गया ससुर के पास, मैंने कहा ससुर जी ये आपकी बेटी है कि बिजली का उपकरण, इसमें तो टेक्निकल फॉल्ट है। तो मेरे ससुर ने मेरी सास की तरफ इशारा किया, बोले बेटा इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये प्रॉब्लम तो इस कंपनी से डिफॉल्ट है। वो एक बार मैंने गुर्रा कर पूछा अपनी पत्नी से कि बता मेरे बगैर तेरी औकात क्या है, तो मेरे पत्नी ने कहा पहले ये बताओ आप हो इसमें बड़ी बात क्या है, आप नहीं होते तो कोई और होता, जहां आज आप रो रहे हो वहां कोई और रोता। एक पंक्ति मैंने समस्त नारी जाति माताओं बहनों के लिए ढंग की लिख दियो, तो आप अपना व्यवहार दिखाना, व्यवहार दिखाने का मतलब वही ताली बजाना है। ये माना एक पंक्ति लिख दी कि ये माना कि पुरुष बलधारी है मगर जीतती हमेशा नारी है। सांवलिया सेठ भगवान आशुतोष के 56 भोग पर केवल एक तुलसी भारी है, केवल एक तुलसी भारी है। बहुत से यंग ब्लड भी बैठे हुए हैं, युवा लोग जो टेक्नोलॉजी से चलते हैं आजकल, कुछ पंक्तियां टेक्नोलॉजी की देना चाहता हूं कि चिट्ठियों का जमाना न रहा, एसएमएस से बात हो जाती है, ताकि आप किस काम का इंटरनेट पर मुलाकात हो जाती है, ट्विटर फेसबुक साथ ले और कुछ भी बारात हो जाती है, और याहू मैसेंजर मंडप बना गूगल पर स्वागरात हो जाती है। आने वाली पीढ़ी का माइंड तो और भी ब्रॉड हो जाएगा, ये शादी ब्याह का सिस्टम आउटडेटेड यानी ओल्ड हो जाएगा। फिगर खराब नहीं करेगी कल की नारिया, बच्चा यूट्यूब से डाउनलोड हो जाएगा। वाह 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 वाह,